सो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छात्रों, मैं मनीष सोनी आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में स्वागत करते हैं। छात्रों, आज हमारा जो वीडियो होगा वो ब्राह्मी कक्षा के लिए होगा, गणित समाकलन प्रश्नावली 7N के पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 का मतलब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसके पिछले दो वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, उस लिंक को आप लोग ओपन करेंगे और उस वीडियो को आप पहले देख लेंगे। तो चलते हैं 7N का क्वेश्चन नंबर 9 का। ये क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा हम आपको कुछ हट करके बताएंगे और कुछ टेक्निक बताएंगे। टेक्निक क्या है? जो आपके पास अंश है उसमें भी एक्स स्क्वायर हर जगह दिख रहा है। हाँ, अगर कहीं यक्स होता तो वो चीज़ अप्लाई नहीं होता जो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ दोनों के पावर, सबके पावर एक्स के पावर 2 हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जिस प्रकार से हम लोग क्लास 10th में द्विघात समीकरणों को समानित करके हल किए थे, मतलब क्या था, एक्स टू पावर 4 था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का फैक्टर कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग क्या करते थे, इस चीज़ को एक्स स्क्वायर को एक्स वाई मानते थे और तब एक्स टू पावर 4 वाई स्क्वायर होता था और आसानी से इस इक्वेशंस को हम लोग लिखते थे वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 इक्वल 0 और इसका बहुत ईजिली से हम लोग फैक्टर करते थे। तो उसी कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इस वेरिएबल एक्स स्क्वायर को हम दूसरे वेरिएबल में क्या करते हैं, उसको सपोज करके कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद देखें क्या होने वाला है। आइए चलते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टी, तो क्या होगा, टी प्लस 1 होगा, टी प्लस 2 होगा, टी प्लस 3 होगा और उसके बाद कितना होगा, टी प्लस 4 होगा। इतना तो समझ में आपको आया ही होगा। अब एक काम करते हैं, इस चीज़ को अभी हम इंटीग्रेशन थोड़ा हट करके चल रहे हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो टी में गुणा करेंगे टी का, तो टी स्क्वायर होगा, 2 और 1 कितना होगा, 3t होगा और 2 एक अन्य कितना होगा, 2 होगा। नीचे से टी स्क्वायर होगा और 4 × 3 = 7t होगा और 4 × 3 कितना होगा, 12 होगा। इतना समझ में आया? अच्छा, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और हमने वहाँ आपको मेंशन किया कि पार्शियल फ्रैक्शन हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारा फ्रैक्शन प्रॉपर में होगा। अच्छा, प्रॉपर में क्या, ये प्रॉपर में होगा क्या, नहीं है, क्योंकि जितनी अंश की डिग्री है उतनी हर की भी डिग्री है। तो उस सिचुएशन में ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले डिवाइड प्रोसेस फॉलो करके इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तत्पश्चात हम लोग क्या करेंगे, एक सैंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं, यहाँ भाग थोड़ा सा कर लेते हैं। टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 डिवाइड एक बार जाएगा, उतार लेते हैं टी स्क्वायर 7t प्लस इतना। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस 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 कैंसिल होगा, माइनस 7t प्लस 3t कितना होगा, माइनस 4t हो जाएगा। माइनस में 12 है
और प्लस में 2 है तो माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 प्लस ठीक है ना माइनस में 4t माइनस में 10 बाई टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। इतना समझ में आया। अब एक काम दीजिए, देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगला काम 1 और यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, इसे लिख सकते हैं 4t प्लस 10 बाई में यहाँ से आपका लिखा है टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। इस चीज़ को आसानी से हम लोग इतना पुनः लिख सकते हैं टी प्लस 3 और टी प्लस 4। ये चीज़ हो गया, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अंश की डिग्री कितनी है, नॉमिनेटर का डिग्री कितना है, 1 है, और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है, 2 है। तो इस सिचुएशन में ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, होगा ना। अब इस कंपाउंड फ्रैक्शन को बहुत इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, और उसके लिए जो प्रोसेस फॉलो करेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। इतना समझ में आया। अब चलते हैं इस चीज़ से ही केवल हम लोग मतलब रखते हैं 4t प्लस 10t प्लस 3t प्लस 4 से। अब अगला कार्य क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ से एक काम तुरंत और कर ले रहे हैं कि 2 कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक है ना। कॉमन 2 करेंगे अगर हम लोग, 4t प्लस 10 में 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2t और प्लस कितना होगा, 5 होगा। अब आइएगा उस चीज़ को वहीं छोड़ करके जो चीज़ ब्रैकेट में लिखा है उसको इधर बुला लेते हैं। तो 2t प्लस 5 बाई टी प्लस 3 और इंटू में क्या होगा, टी प्लस 4। अब ध्यान दीजिएगा, हम कभी भी किसी कंपाउंड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम केवल और केवल डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर आया है विथ नो रिपीटेशन, दैट्स मीन्स केस नंबर ये फर्स्ट फॉलो करेगा, और इसका विस्तृत चर्चा हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के लेक्चर नंबर फर्स्ट में किया। अब आइएगा इस चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग क्या, a बाई टी प्लस 3 और बी बाई टी प्लस 4। अगला कार्य क्या होगा, दिस एम्प्लाइज 2t प्लस 5 बाई टी प्लस 3 और टी प्लस 4 इक्वल एलसीएम लेंगे। अगला वर्क हमारा एलसीएम का होगा टी प्लस 3 और एक ब्रैकेट में टी प्लस 4, और यहाँ से क्या होगा, टी प्लस 3 से टी प्लस 3 कैंसिल, क्या बचेगा, टी प्लस 4। और इसके बाद क्या होगा, टी प्लस 4 से टी प्लस 4 कैंसिल होगा, फिर क्या बचेगा, टी प्लस 3 बचेगा। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इससे ये चीज़ क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। दिस एम्प्लाइज 2t प्लस 5 इक्वल ए टी प्लस 4 और बी में टी प्लस 3, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा भैया, सेकंड होगा। अच्छा इतना समझ में तो आ गया होगा। अच्छा ये बताइएगा, हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक टी प्लस 3 है और एक टी प्लस 4 है, हम 1/1 ए और बी को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो चलते हैं पहले बी वाले पोर्शन को जीरो करते हैं। बी वाला पोर्शन तब जीरो होगा जब प्लस 3 का अपोजिट क्या होगा, माइनस 3 होगा। डेट्स मीन अगर टी इक्वल माइनस 3 पुट कर दे इन इक्वेशन सेकेंड, देन पार्ट बी इक्वल जीरो, और इस कंडीशन में हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए इसी कार्य को जारी करते हैं। रखते क्या हैं, टी इक्वल माइनस 3 समीकरण 2 में रखने पर। तो भैया लोग जहाँ समीकरण 2 हो वहाँ जहाँ जहाँ टी मिलेगा वहाँ माइनस 3 पुट करेंगे। तो आइएगा 2 टी के जगह पर माइनस 3
प्लस फाइव ए और टी के जगह पर माइनस थ्री प्लस फोर बी और टी और उसके बाद में टी के जगह पर माइनस थ्री और ये हो गया प्लस थ्री। हल करेंगे माइनस सिक्स और प्लस में फाइव ए और वन और ये चीज़ हो जाएगा ज़ीरो। इस प्रकार से इसको अगर आप हल करेंगे तो मिलेगा कितना, माइनस वन मिलेगा। तो इस कंडीशन में आपने एक वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ए इक्वल कितना पा लिया, माइनस वन पा लिया। हमने ए के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ए इक्वल कितना हमारे पास आया, माइनस वन आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है ना, इस बार हम ए वाले पार्ट को जीरो करेंगे और ये वाले पार्ट को जीरो करने के लिए जहां टी होगा वहां रखेंगे माइनस फोर, क्योंकि प्लस फोर का अपोजिट क्या होगा, माइनस फोर होगा। तो आइएगा इस कार्य को आगे की तरफ। पुनः समीकरण दो में टी इक्वल माइनस फोर रखने पर, तो आइएगा यहाँ टू होगा और टी के जगह पर माइनस फोर होगा प्लस फाइव होगा इक्वल ए, टी के जगह पर माइनस फोर प्लस बी, टी के जगह पर माइनस फोर प्लस थ्री, तो चार दुनी आठ, माइनस आठ प्लस पाँच, ए इंटू जीरो बी माइनस वन। तो इस कंडीशन में होगा आठ में से पाँच गया माइनस थ्री, ठीक है ना, फिर माइनस बी, इससे ये कैंसिल। इस प्रकार से आपने पाया बी इक्वल कितना पा लिया, थ्री पा लिया। तो इस प्रकार से हमने ए और बी के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। जब ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद अगला कार्य क्या होता है, इनके मानों को समीकरण एक में हम लोग पुट कर देते हैं। तो आइएगा ए व बी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो आइए चलते हैं। समीकरण एक यही है, टू टी प्लस फाइव बाई टी प्लस थ्री और उसके बाद में इंटू टी प्लस फोर इक्वल ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है माइनस वन, तो माइनस वन बाई टी प्लस थ्री और प्लस में बी, बी का मतलब थ्री और थ्री बाई टी प्लस कितना है, फोर है। चलिए इतना हो गया ना, इतना तो समझ में आया। अब हम लोग क्या है कि चलते हैं इस जगह पर। हमारे पास था, थोड़ा सा भाई नीचे कर लेना, हमारे पास था, ठीक है ना, इतना तो हो गया ना। इसके बाद ध्यान दीजिएगा भैया लोग, कहाँ से चल रहे हैं, वन था माइनस था, टू था लगा दिए और एक हम लगा देते हैं बड़ा ब्रेकेट, और टू टी प्लस फाइव होल बाई टी प्लस थ्री इंटू टी प्लस फोर के जगह पर लिख सकते हैं माइनस वन बाई टी प्लस थ्री प्लस थ्री बाई टी प्लस फोर, ये हो गया। अब क्या करते हैं, वन माइनस ब्रेकेट को ब्रेक कर देते हैं, ये और टू का अंदर गुणा, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस टू बाई टी प्लस थ्री हो जाएगा। और उसके उपरांत अच्छा एक चीज़ इसी वक्त और कर दे रहे हैं, टी का वास्तविक में वैल्यू कितना था, एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग कर दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और इसके बाद क्या होगा, माइनस प्लस माइनस और दो तिया छः बाई टी, टी के जगह पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर। मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा, हमने जो भी छेड़खानी किया, जो भी छेड़खानी किया, इसके साथ जो भी खिलवाड़ किया, एट लास्ट में जो वास्तविकता, जो वास्तविक रियल वैल्यू था, डैट्स मीन्स हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्स के टर्म में था, हमने एक्स को टी में मतलब क्या किया, कन्वर्ट किया, एट लास्ट वैल्यू ऑफ टी पुट, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, टी के वैल्यू को पुट किया और टी का वैल्यू कितना आपके पास है, एक्स स्क्वायर है। इतना समझ में आया है ना। अब चलिए चलते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन था ये था,
जो क्वेश्चन था ये था, इस चीज को एक्स स्क्वायर को टी में कन्वर्ट किया, तो जहां जहां एक्स स्क्वायर था वहां वहां टी हो गया, इस चीज को मैंने इतना किया, हमने इस चीज को हल किया, हल करने के बाद इतना पाया, और जब इतना पाया तो हमारे दिमाग में ये चीज आया, अरे यार ये तो जितने एक्स के पावर हैं वो सॉरी जितने अंश के पावर हैं वो उतना ही हर के पावर हैं, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल हुआ। और हमको सर जी बताए हैं कि जब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए ज़रूरी शर्त है कि उस फ्रैक्शन का प्रॉपर में होना ज़रूरी है, तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम डिवाइड को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, डिवाइड प्रोसेस को फॉलो करने के बाद हमने इस चीज़ को इतना किया, 2 को कॉमन लिया, 2t प्लस 5 टी प्लस 3 टी बाई 4 टी प्लस 4 को यहाँ लाया, और इसके बाद में हम सॉल्व करते हुए चले गए, इसके बाद हमें कुछ ऐसा मिला। इतना समझ में आ गया ना, अब ध्यान दीजिएगा क्या करने वाले हैं हम, बस एक दो लाइन केवल और होगा। अच्छा, इसका पूरा पूरा वैल्यू मुझे ये मिला, तो लगा सकते हैं इंटीग्रेशन, चलिए यही लगा दे रहे हैं, इंटीग्रेशन और मझला ब्रैकेट और यहाँ dx कर दिए। अब इसके बाद हम पार्ट बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मतलब पहले dx करने में dx होगा प्लस 2 को हम इंटीग्रेट से बाहर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 और dx, और उसके बाद में 6 भी कांस्टेंट टर्म है, इसको इंटीग्रेट से बाहर करेंगे और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4 dx। अच्छा भैया, हमारा जो कुछ भी है एक वेरिएबल क्वांटिटीज है और एक हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब एक चर है और एक अचर है। याद करिएगा हमने आपको एक फार्मूला बताया था, फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल क्या होता था, 1 बाई ए और tan इनवर्स एक्स बाई ए था, याद है ना, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए सॉरी एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए था। तो चलते हैं इस चीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 को रूट 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में अब ये फार्मूला फॉलो करेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। अब dx का इंटीग्रेट कितना होगा, x होगा प्लस 2 बाई में a के जगह पर कितना है रूट 3 tan इनवर्स एक्स बाई ए एक्स बाई रूट में 3 और माइनस 6 बाई a का मतलब 2 और tan इनवर्स एक्स बाई ए मतलब 2 और 2 एक नम 2 2 3 6, इस चीज़ को हम बहुत आसानी से केवल और केवल 3 कर ले रहे हैं और एक कांस्टेंट वैल्यू हमने क्या किया इसमें ऐड कर दिया और यही हमारा क्या होगा भैया आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा आपके पास क्वेश्चंस है इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 होल बाय एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहला चीज देखिए, अंश की पावर 1 है और इसका पावर 5 होगा क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स टू पावर 4 होगा, गुना करेंगे एक्स टू पावर 5 होगा, तो ये भैया हर की पावर ग्रेटर है देन अंश की पावर, तो इस कंडीशन में ये प्रॉपर होगा, तो इसमें डिवाइड कोई आवश्यकता नहीं है। इतना समझ में आ गया ना। अब ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है और विथ रिपीटेशन भी है, ये देखिए भाई ये हमारे पास इसकी पावर कितनी है 2 है और साथ ही साथ इसका क्या है रिपीटेशन है, मतलब ये केस नंबर 4th को क्या करने वाला है फॉलो करने वाला, जिसका हम लोग जिक्र किए हैं लेक्चर नंबर 2 में। एक आप लोगों से विनती है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, चाहे जो छात्र होंगे, दोस्त होंगे, विरोधी होंगे, चाहे जो होंगे, बस
एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर अच्छा कर रहा हूँ, मतलब अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप निसंकोच लिखिएगा सर बहुत अच्छा है, खराब पढ़ा रहा हूँ तो आप निसंकोच लिखिए सर आपकी पढ़ाई से बिल्कुल असहमत है, इतना तो कर दिया करिए। और मैं देखता हूँ यार वीडियो शेयर करने वाला कोई नहीं रहता है, बस देख ली अपना काम बन गया, फिर उसके बाद चाहे कोई देख पाए या ना देख पाए, लेकिन ऐसा गलत है। मैं अगर पॉपुलर होऊंगा तो आप कह सकते हैं कि ये मेरे सर जी हैं। तो ये चीज़ मैं बार बार कहता नहीं हूँ कि भैया शेयर करो, बस आप शेयर कर दिया कीजिए, मैं बार बार नहीं कहूँगा। मैं मुझे बहुत दुख होता है यार, इतना नेट खर्च करता हूँ ना, टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, बस आप लोग एक शेयर नहीं कर सकते हैं। फेसबुक सब चलाते होंगे, फेसबुक पर अपने शेयर कर सकते हैं आईडी से, व्हाट्सअप सब चलाते होंगे, लगाएंगे स्टेटस क्या दर्द दिलों का, अनाप शनाप मतलब बेवफा वाला सॉन्ग, जैसे कितना बेवफा इनके पास भरा हुआ कूट कूट करके। तो ऐसे मेरा भी स्टेटस आप लगा सकते हैं, लेकिन लगाएं तब ना। आइए चलते हैं, इंटीग्रेशन x प्लस वन होल बाय एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो हमने बताया 21 नंबर फोर्थ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो इस इंटीग्रेशन को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। अब x प्लस वन होल बाय एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल, इसको लिख सकते हैं a बाई एक्स माइनस वन, और इसके बाद इसको लिख सकते हैं बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वन, और अगला होगा डी एक्स प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। इतना तो समझ में आया ना, ये सब बातें पुरानी हो गई हैं। एक घात था, कोई घात नहीं था, दो घात था, एक घात था, चार घात है। यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ पर भी आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी आपके पास वन पावर है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अगला कार होता है एलसीएम का, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल, एलसीएम होगा x माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। a कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस b, इसके पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस सी और एक ब्रैकेट में x माइनस वन और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगला जो हमारे पास होगा वो होगा डी एक्स प्लस में ई और एक ब्रैकेट में होगा एक्स माइनस वन। अच्छा, इससे ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, एक्स प्लस वन इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, बी एक्स प्लस सी और एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस ई और x माइनस वन इक्वेशन नंबर सेकंड बना, ठीक है ना। इतना तो हमने कर लिया इक्वेशन नंबर सेकंड तक। अब यहाँ से हमारे पास दो मेथड हैं, एक वैदिक है और एक पॉपुलर है, यहाँ हम दोनों मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए पहले वैदिक मेथड ही फॉलो कर लेते हैं। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में हमारे पास, ठीक है ना, अगर x माइनस वन एक फैक्टर है तो हम लोग अगर x इक्वल वन कर दें, मतलब यहाँ x इक्वल वन कर दें तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक हमें a के वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे। तो आइएगा, ठीक है ना, x इक्वल वन, समीकरण दो में x इक्वल वन रखने पर, तो ध्यान दीजिएगा समीकरण दो में जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ वन करेंगे, काहे करेंगे, इससे आपका ये वाला टर्म जीरो होगा और साथ ही साथ ये वाला टर्म जीरो होगा, तो आपका एक अननोन बचेगा ये। तो इस प्रकार से हम a के वैल्यू को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइएगा x के जगह पर वन प्लस वन इक्वल a
और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, ये चीज़ x के जगह पर रखेंगे अगर 1 तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। अगले टर्म में x के जगह पर 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा भैया लोग, इस प्रकार से 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 ए, और 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 तो हो जाएगा 4 ए। दिस एम्प्लाइज ए इक्वल हो जाएगा कितना 2/4, और इस प्रकार से ए बराबर हम पा लेंगे 1/2। तो जहां भी हमारा ए होगा उस सिचुएशन में 1/2 रख सकते हैं। इतना समझ में तो आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को समीकरण दो को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, पुनः समीकरण दो से आइएगा। ध्यान दीजिएगा भैया, थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही, ए और इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर टू पावर 4 प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2x स्क्वायर होगा। इसके बाद क्या होगा, प्लस, ठीक है ना, बी एक्स प्लस सी और इसका करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स करने डी एक्स हो जाएगा और माइनस प्लस में ई एक्स हो जाएगा और माइनस में कितना हो जाएगा ई हो जाएगा। इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस 1 इक्वल, ठीक है ना, ए का अंदर घमासान ए एक्स टू पावर 4 ए प्लस 2ax स्क्वायर और इसका बी एक्स टू पावर 4 बी एक्स स्क्वायर। बहुत सावधानी बरतेंगे। अब इसके बाद में हो जाएगा माइनस बी एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस बी एक्स। अब सी का गुना करेंगे अंदर तो प्लस में सी एक्स क्यूब और इसके बाद में प्लस में सी एक्स और इसके बाद में माइनस में सी एक्स स्क्वायर और इसके बाद में प्लस माइनस माइनस सी और प्लस में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस ई। छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चंस को गलत कर सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक हम सवाल को लगा रहे हैं। एक्स प्लस 1, अब पावर 4 को खोजिए, ए एक्स टू पावर 4 ये वाला टर्म हो गया, इसके बाद में बी एक्स टू पावर 4 वाला हो गया, और कहीं है पावर 4 नहीं है, इसको एक ब्रैकेट में आप क्या करिए बंद कर दीजिए। अब 3 पावर को खोजिए प्लस लगा करके, 3 पावर कहाँ है, यहाँ है, माइनस बी एक्स क्यूब माइनस बी एक्स क्यूब ये वाला टर्म हो गया, प्लस में सी एक्स क्यूब ये वाला टर्म हो गया, और कहीं क्यूब नहीं है, इस चीज़ को ऐसे कर दे रहे हैं। प्लस में अब स्क्वायर वाला टर्म 2ax स्क्वायर और प्लस में bx स्क्वायर और माइनस में cx स्क्वायर। अगला काम और कहीं स्क्वायर, हाँ है, कितना है dx स्क्वायर है, ये हो गया 4 घात 3 घात 2 घात। अब की बार 1 पावर का टर्म आएगा, तो चलिए प्लस लगा करके, सबसे पहला चीज कोई छूटा क्या। अब इसके बाद में माइनस में bx ये हो गया और माइनस में bx हो गया, प्लस में cx हो गया
और प्लस में डी एक्स हो गया और प्लस में कितना हो गया ई एक्स हो गया। अच्छा एक गलती हमको लग रहा है, गलती यहाँ हमको दिख रहा है, एक मिनट देखते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स है, माइनस डी एक्स है, कैसे माइनस डी एक्स है ध्यान दीजिएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। देखिए गलतियाँ भाई छोटी छोटी हो जाती हैं लंबे लंबे कैलकुलेशन में। अच्छा और यहाँ भी कर ले रहे हैं माइनस में डी एक्स और उसके बाद में प्लस में ई एक्स है, ये हो गया। देखो भाई आ रहा है ना। अब इसके बाद बारी आई कांस्टेंट टर्म की, जो एक्स से फ्री हैं, ए इसको ब्रैकेट में यहाँ लगा कर कर दे रहे हैं प्लस में ए और माइनस में सी और क्या है माइनस में ई। अब थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं, कै टर्म हुए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, यहाँ भी गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सही है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ x टू पावर फोर कॉमन है, इसको हम बाहर कर ले रहे हैं, x टू पावर फोर को बाहर कर ले रहे हैं ये हो गया, और यहाँ x क्यूब को बाहर कर ले रहे हैं ये हो गया, और यहाँ पर x स्क्वायर को बाहर कर ले रहे हैं कॉमन के रूप में। आप मिटाएंगे नहीं, हमारे पास मिटाने के लिए संसाधन है, हमारा हाथ ही इरेजर है, x स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हम x को कॉमन लेते हैं x हो गया। इतना समझ में आया ना, ये हो गया रावण का पक्ष। अब राम जी के पक्ष में चलते हैं, यहाँ राम जी के पक्ष में चार पावर नहीं है, चलो भैया दे देते हैं, तीन पावर भी नहीं है चलो दे देते हैं, और x स्क्वायर भी नहीं है दे देते हैं, और x प्लस वन, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा देख लो भाई, दोनों पक्षों के गुणांकों, अच्छा गुणांक समझ रहे हैं ना, एक्स टू पावर फोर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर यक्स, दोनों पक्षों के गुणांकों एवं अचर पदों की तुलना करने पर, तो ए प्लस बी इक्वल आपको जीरो मिलेगा, ये क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड। फिर उसके बाद में माइनस बी प्लस सी भी आपको कितना मिलेगा जीरो मिलेगा, एक क्वेश्चन नंबर फोर। और इसके बाद क्या है टू ए प्लस में बी माइनस में सी प्लस डी, ये भी कितना है जीरो, समीकरण नंबर पाँच। अब बारी आई एक्स के गुणांक की, तो माइनस बी प्लस में सी माइनस में डी प्लस में ई इक्वल आपके पास है वन, और ये समीकरण नंबर हो गया आपके पास सिक्स। इसके बाद में ए माइनस सी माइनस ई इक्वल आपको मिला वन, और ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेवन। हमारे पास इतने सारे समीकरण आए हुए हैं और ये हमने बाय पॉपुलर मेथड क्या किया सॉल्व किया, और तत्पश्चात हमें ऐसे क्वेश्चंस प्राप्त हुए। चलते हैं भैया देखते हैं क्या होने वाला है, यहाँ से देखिएगा a प्लस बी इक्वल जीरो है तो a इक्वल कितना होगा माइनस बी हो जाएगा, और a का वैल्यू कितना आया है हाफ आया है इक्वल माइनस बी, दिस एम्प्लाइज b इक्वल हो जाएगा माइनस में हाफ, ये b का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। यहां से आइए माइनस बी प्लस सी इक्वल जीरो, इससे स्पष्ट है कि c इक्वल हो जाएगा जी b, और दिस एम्प्लाइज c का भी वैल्यू होगा कितना आपका भैया माइनस हाफ में होगा, तो हमने c का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम इस समीकरण में a का वैल्यू ठीक है ना, b का वैल्यू
और सी के वैल्यू को पुट करके डी के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आइए मैं ए बी व सी के मानों को रखने पर, मानों को रखने पर, तो आइए रख दिया जाए तो हो क्या जाएगा, टू ए, ए का मतलब हाफ, भाई देख लो कवर कर रहा है ना, हाफ हो गया। इसके बाद प्लस में बी, प्लस में बी माइनस हाफ, झगड़ा करेंगे कौन जीतेगा, माइनस हाफ। इसके बाद माइनस सी, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और इसके बाद में है प्लस डी इक्वल जीरो। भैया लोग ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा कैंसिल, दो में दो का भाग हो जाएगा वन, और इस प्रकार से आपको मिला क्या, वन प्लस डी इक्वल जीरो, दिस एम्प्लाइज डी इक्वल माइनस वन। तो हमने डी के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, डी इक्वल हमारे पास आया माइनस में वन आया। अब बाकी केवल और केवल एक कांस्टेंट टर्म ई का वैल्यू बचा है, तो इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, ए और सी के मानों को रख देते हैं, ये व सी के मानों को रखने पर। तो आइएगा ए माइनस सी माइनस ई है, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, थोड़ा और नीचे लाओ, ए का वैल्यू है आपके पास हाफ, हमने हाफ कर दिया। सी का वैल्यू है माइनस हाफ, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, हाफ हो गया। और माइनस ई इक्वल है वन, तो ये सॉरी हाँ सही है हाफ। अब ध्यान दीजिएगा दोनों का हर तो बराबर है, तो उस सिचुएशन में उनके अंश जुड़ जाएंगे, एक और एक कितना होगा दो, दो में दो का डिवाइड करोगे तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा वन, तो वन माइनस ई इक्वल वन। अब ध्यान दीजिएगा इस वन प्लस में, वन प्लस में दोनों पक्षों में कैंसिल, इस सिचुएशन में ई का वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया। तो भैया लोग मज़ा तो आ गया होगा यार, डरना मत कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं, बहुत आसान भाई, अलजेब्रिक सब कुछ कर रहे हैं। हमने ए के वैल्यू को फाइंड आउट किया, हमने बी के वैल्यू को फाइंड आउट किया, हमने सी के वैल्यू को फाइंड आउट किया, हमने डी के वैल्यू फाइंड आउट किए, हमने ई के भी वैल्यू फाइंड आउट किए। अब क्या करते हैं, ए बी सी डी हुआ ई के मानों को समीकरण एक में रखने पर। आइए भाई कैमरा ऊपर, डीएसएलआर ऊपर कर दो, डीएसएलआर मत समझिएगा भाई, मोबाइल से शूट कर रहे हैं, अभी गरीब में है, गरीबी चल रही है ज़्यादा कुछ। आइएगा ध्यान दीजिएगा, ये बी सी डी वाई, अब सोचो यार अगर यही तीन घात होता तो भैया ब्लैक बोर्ड हमारा भर जाता, चार घात होता तो शायद एग्जाम में अगर आ जाए तो हमारे चार पांच पेज तो भर ही जाएंगे। शुक्र है दुई पावर आया। तो ए बी सी डी वाई के मानों को समीकरण एक में रखने पर, आइएगा समीकरण एक में रख दिया जाए, समीकरण एक यही है, इसको नहीं लिखते हैं यार, जगह की थोड़ा सा अभाव होने के कारण। ए बाई एक्स माइनस वन, ए का मतलब कितना है हाफ, तो हो जाएगा हाफ, ठीक है ना, हाफ, चलो भाई लिख दे रहे हैं, अच्छा एक्स प्लस वन बाई में एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा ए का वैल्यू कितना है, हाफ है, तो लिख सकते हैं वन बाई टू एक्स माइनस वन प्लस बी, बी का मतलब कितना है माइनस हाफ, माइनस हाफ कर दिया, और इसके बाद में यक्स कर दिया, प्लस में सी, सी कितना आया, वो भी आया है आपके पास माइनस हाफ, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वन रहेगा, ये चीज हो गया। अब प्लस में, ठीक है ना, डी एक्स, डी का वैल्यू कितना आया है, माइनस वन आया है,
माइनस वन हो गया, उसके बाद यक्स हो गया, प्लस में ई, ई कितना आपका आया है, जीरो आया है, ई आपके पास जीरो आया हुआ है। चलिए ये जीरो हो गया, और इसके बाद में कितना आपके पास है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या होगा आपके पास, जो माइनस हाफ चल रहा है उसको हम लोग कामन लेकर के आगे का कार्य करते हैं। आइए चलते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हाफ और एक्स माइनस वन, और ये माइनस कामन लेंगे विथ हाफ भी, तो ये माइनस हो जाएगा हाफ, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वन, और ऊपर बचेगा एक्स प्लस वन, ये हो गया। और इसके बाद में प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा यक्स बाई यक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा, मतलब जहाँ ये चीज़ होगा वहाँ ये चीज़ हम लोग ईजिली लिख सकते हैं ऐसे। हाँ, इस चीज़ को आप सॉल्व करेंगे तो पुनः आप यहीं आ जाएंगे, जैसे सांप को खेलते हैं ना, लूडो गुट्टी खेलते हैं ना, 99 पहुँचे और कहीं आप एक काम कर 99 पे ही गुट्टी आपका गया तो क्या होगा, फिर से आप 10 पर चले आएंगे। तो वही प्रोसेस है, अगर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो फिर से आप यहीं चले आएंगे। अब आइएगा यहाँ, अगर इंटीग्रेशन लगा दें तो हम लोग यहाँ भी क्या लगा दे रहे हैं, इंटीग्रेशन, और यहाँ मझला ब्रेकेट और ओवरऑल डीएस कर दे रहे हैं। अगला कार्य होगा हमारा, पूरा कैमरा उधर कर दो, ठीक है ना, थोड़ा सा। अगला जो हमारा कार्य होगा वो पार्ट बाय इंटीग्रेशन का होगा, कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, वन बाई इंटीग्रेशन वन बाई टू एक्स माइनस वन डी एक्स, उसके बाद में माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अगला होगा माइनस इंटीग्रेशन एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर और फिर डी एक्स। इतना तो समझ में आया, इसका आसानी से, ठीक है ना, वन बाई टू कॉन्स्टेंट इसको हम बाहर कर ले रहे हैं, इसी का इंटीग्रेशन करना है हमें, डरने की कोई बात नहीं, इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली हम लोग जानते ही हैं, बाकी यही थोड़ा सा हमारा डिफिकल्ट होगा। तो चलते हैं, इसका भी इजीली से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या है, हाफ इसका साफ साफ दिख रहा है लॉग में होगा मॉड एक्स माइनस वन और माइनस हाफ, और इसके बाद में बड़ा ब्रेकेट इंटीग्रेशन यक्स बाई यक्स स्क्वायर प्लस वन डी यक्स प्लस इंटीग्रेशन वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा ब्रेकेट क्लोज, और माइनस इंटीग्रेशन में यक्स बाई यक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या रहेगा, डी एक्स रहेगा। इतना समझ में आया, अब ध्यान दीजिएगा यहां से क्या होगा, वन बाई, ध्यान दीजिएगा भैया, वन बाई टू लॉग में मॉड एक्स माइनस वन माइनस हाफ, ठीक है ना, और इस चीज को अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ कर दे रहे हैं, चलो यहाँ कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर टी मान ले तो इसका डिफ्रेंशिएट होगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, और उधर वन का तो जीरो होगा, और डी टी बाई डी एक्स होगा, तो इस सिचुएशन में एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा हाफ डी टी हो जाएगा। तो आसानी से हम लोग अब लिख सकते हैं बड़ा ब्रेकेट, ठीक है ना, एक्स डी एक्स के जगह पर हाफ हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा वन बाई, ठीक है ना, एक्स डी एक्स के जगह पर क्या होगा, हाफ डी टी, तो डी टी कर दिए, और एक्स स्क्वायर प्लस वन के जगह पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब इसके बाद में प्लस
अभी एक साथ इसका भी कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर बड़ा ब्रेकेट क्लोज। अब इसके बाद इसी प्रकार से यहां भी होगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लेंगे तो हाफ हो जाएगा, हाफ लगा दिए, और इसके बाद में ठीक है ना, सॉरी माइनस है, माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स के जगह पर हाफ डी टी, तो ये हो गया हाफ और ये हो गया डी टी, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का जगह पर टी, और यहाँ टी स्क्वायर, अच्छा ऊपर जाएगा तो टी टू पावर माइनस टू और डी टी हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा अगला कार्य, अगला कार्य इतना मिटा दे रहे हैं भाई, अब हो जाएगा हमारे पास बहुत जल्द आंसर आने वाले हैं, हो जाएगा हाफ लॉग में मॉड एक्स माइनस वन अंदर घमासान एक बटा चार, और लॉग में टी टी, और इसके बाद में माइनस प्लस माइनस, और इसका होगा टेन इनवर्स एक्स वन बाई वन प्लस टेन इनवर्स एक्स होता है, एक्स हो गया, और उसके बाद में ठीक है ना हाफ इसके पास भी जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस हाफ टी टू पावर माइनस वन बाई माइनस वन। अब क्या होगा, वन बाई टू लॉग में मॉड एक्स माइनस वन माइनस वन बाई फोर लॉग टी के जगह पर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस हाफ टेन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस हाफ वन बाई टी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक कांस्टेंट नोट करिए फिर आपसे भी बता रहे हैं। तो नोट तो हो गया होगा, मजा भी आया होगा, उसमें चिंता की बात नहीं है कि भैया इतना लंबा छोड़ा सवाल है, बस सवाल था, कुछ करना नहीं है, बस आप अगर पार्शियल फ्रैक्शन के वो दो लेक्चर देखे हैं तो कुछ नहीं है भैया, ये सब क्या है, पूरा पूरा पार्शियल फ्रैक्शन में तो है और कुछ है, और इसके बाद में यही आपका इंटीग्रेशन किया गया, थोड़ा लॉजिक इस क्वेश्चन में था और उसका भी मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। तो सवाल से कभी घबराइए मत आप लोग कि यार लंबा हो रहा है, नहीं, कॉन्सेप्ट पर अपना केवल और केवल फोकस करिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो अंत में आपका आंसर जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब ऐसे ही अगर हमारे पास, हमने बताया अगर हमारे पास पावर थ्री होता तो क्या होता, यही सवाल आप सोच सकते हैं, और लंबा होता। अरे भाई अभी तक हमारे पास ए बी सी डी ई पांच कांस्टेंट थे, और अगर हमारे पास एक पावर और बढ़ता तो एफ आता जी आता, ठीक है ना, ई तक आ चुका है, एफ आता जी आता, तो इस प्रकार से हमारे पास भैया सात हो जाते। बात समझ में आ रही है ना, तो एक बार हम समझा दे रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन था इंटीग्रेशन x प्लस वन होल बाय x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, इस चीज़ को हम इंटीग्रेशन को देर के लिए भूल जा रहे हैं, हमने देखा जो नॉमिनेटर है उसकी डिग्री वन है और जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री फाइव होगी। अरे भाई इसको आप ब्रेकअप करेंगे, देखिए हल करने पर मैक्सिमम पावर एक्स टू पावर फोर होगा, गुना करेंगे एक्स का एक्स टू पावर फाइव हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है ना, हमारे पास ठीक है ना ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन का ठीक है ना एग्जांपल होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये केस नंबर फोर्थ फॉलो करेगा, तो उस कंडीशन में a बाई एक्स माइनस वन प्लस ठीक है ना अगला कार बी एक्स प्लस सी होल बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक क्वाड्रेटिक है, नीचे क्वाड्रेटिक होगा और ऊपर आपका लीनियर होगा, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी लीनियर हो गया। हमने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम एक्स माइनस वन लोएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल हो गया। इस प्रकार से हमने एक इक्वेशन सेकंड पा लिया, ठीक है ना, दो इक्वेशन हमने प्राप्त किया, फर्स्ट और सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या है भैया कि अब हमने ठीक है ना, हमने आपको पहले भी बताया जो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट था पार्शियल फ्रैक्शन का,
हमने बताया कि इसको सॉल्व करने के यू हैव टू मेथड, एक है वैदिक एक है पॉपुलर, बट वैदिक मेथड ओनली यानी यूज इन केस नंबर फर्स्ट, केस सेकंड, थर्ड, फोर्थ केसेस में बोथ आर रूल फॉलो, ठीक है ना। मतलब वैदिक भी यूज करेंगे और पॉपुलर भी यूज करेंगे, उससे आपके क्वेश्चंस इजीली, हालांकि एक पॉपुलर से ही फॉलो करोगे तो बहुत आसानी से मान लेते हैं। आप अगर वैदिक ना लगाए होते तो देखिए, अब चूंकि वैदिक हमने लगाया तो ए का वैल्यू प्राप्त हुआ, ए के वैल्यू प्राप्त होने से बी का वैल्यू प्राप्त हुआ, और जब बी का वैल्यू प्राप्त हुआ तो सी का वैल्यू प्राप्त हो गया, और जब हमारे ए बी सी का वैल्यू प्राप्त हो गया तो डी हो गया, और जब ए बी सी डी हो गया तो हम कहीं भी रख दें, तो इस प्रकार से हमारा ई का भी वैल्यू क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। तो भैया हमने ए बी सी डी ई के मान को समीकरण एक में ले जा कर के रख दिया, जहाँ इतना छोटा था, जहाँ ये हमारे पास एक कंपाउंड फ्रैक्शन था, उस कंपाउंड फ्रैक्शन को हमने एक सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया, और अब आपका यही इंटीग्रेशन बहुत इजीली से सॉल्व होने वाला है। जैसा कि हमने इस चीज़ को इतना लिखा, इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इस चीज़ में हमने क्या किया, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये टेन इनवर्स एक्स होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मानेंगे, टू एक्स डी एक्स इक्वल डी टी होगा, तो एक्स डी एक्स इक्वल हाफ डी टी होगा, उस कंडीशन में इंटीग्रेशन, ठीक है ना, वन बाई टू इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, वन बाई टू लॉग टी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसके बाद में ये तो वही चीज़ जो नीचे है वही मान करके टी टू पावर माइनस वन, मतलब माइनस वन ये हो जाएगा, नीचे आएगा तो पॉजिटिव पावर होगा। एट लास्ट हमने क्या ले लिया भैया, आंसर ले लिया। अब इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सही तरीके से नोट कर लेंगे, समझ में आया होगा तो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कमेंट कर देना, इतना मेहनत किया उस क्वेश्चंस में, कह देना कि यस सर समझ में आया, नहीं समझ में आया सर नहीं समझ में आया, तो हम कुछ और प्रयास करें। लेकिन हाँ, ये तब मानेंगे जब आप लेक्चर्स वो देखे होंगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आने की गारंटी ले सकता हूँ, अदरवाइज नहीं ले सकता हूँ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस में।